गड्डी दी ताकि चो लमकिया बाहर तो कोई गड्डी दे बोनट ते बैठा बना रहा वीडियो पुलिस दे सामने जम के चले लता कसुन ये तस्वीरां नवे साल दियां ने कि नवे साल दी शुरुआत दे विच ही रज के हुल्लड़बाजी हुई है ते हुल्लड़बाजा नू रोकण दे विच पुलिस भी किते ना किते नाकाम रही है जो कि ना तस्वीरां च भी बयान हो रहा है। तस्वीरां दे विच साफ देखा जा रहा है कि शराब दे नशे दे विच ए नौजवान हुल्लड़बाजी कर रहे ने, हुड़दंग मचा रहे ने, खरूद मचा रहे ने ते पुलिस इन्हां नू रोकण दी कोशिश कर रही है। तस्वीरां दे विच नौजवान अपने गड्डी दे सनरूफ दी ताकी चो बाहर निकल के वीडियो बना रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, तां पुलिस वाले ने उन्हां नू रोक के गड्डी दे विच वापस बिठा के उत्थों चलदा करता है। दूजे पासे एक होर नौजवान जो गड्डी दे बोनट ते बैठा है, गड्डी चल रही है ते ओ गड्डी दे बोनट ते बैठ के वीडियो बना रहा है। उधर ही पब दे बाहर एक छोटे जे एक्सीडेंट तो बाद लोग आपस विच लड़दे हुए नजर आए ने, जम के लत्ता कसुन चले ने, पुलिस उन्हां नू रोक रही है पर उन्हां ते किसे दा असर नहीं है। ये तस्वीरां दे विच साफ साफ नजर आया है, तुसी आप ही देख लो कि किस तरह ये लड़ रहे ने, गाला कढ़ रहे ने, पुलिस मुलाजम इन्हां नू रोकण दी कोशिश कर रहे ने पर ये लड़नो नहीं हट रहे ने। सड़क दे विचाले ही एक दूजे नू गाला कढ़दे हुए लत्तां कसुन मारदे सड़कां ते लम्मे पए ने। तस्वीरां गुरुग्राम दे इलाके दियां ने जिथे नवे साल दे जशन नू लै के एक पब दे बाहर नौजवानां ने जम के खरूद मचाया। मौके ते पहुंचे एसीपी दे नाल कमांडो अते पुलिस मुलाजमां दे वल्लों स्थिति दा जायजा लिया गया। थां थां ते इन्हां नौजवानां नू हुल्लड़बाजी करन तों रोकिया गया है। वड्डी गल इह है कि नवे साल दे शुरुआत तों पहलां ही पुलिस दे वल्लों पुख्ता इंतजाम कीते जांदे ने, थां थां ते पहरा लगाया जांदा है पर इस दे बावजूद भी कई थावां तों अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने कि जिथे हुल्लड़बाजां दे वल्लों जम के खरूद मचाया गया है। पुलिस भी इन्हां नू रोकण च किते ना किते नाकाम ही नजर आई है। इन्हां हुल्लड़बाजां नू रोकण दे लई पुलिस नू भी काफी मशक्कत करनी पई है ते फिर जाके इत्थे मामला सुलझिया है। नए साल के जश्न को मनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और एडिक्वेट नंबर में पुलिस फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और आप लोग देख भी सकते हैं कि हर तरीके के इंतज़ाम हम लोगों ने किए हैं। एम्बुलेंस भी यहां पर है, क्रेन भी है और अब की बार जो टैक्सी और कैब सर्विसेज थी उनके साथ भी लाइजन करके हम लोगों ने उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग भी बनाई है और उनके लोगों को भी यहाँ रखा है कि यदि कोई व्यक्ति जश्न मनाने के बाद घर जाने के समय उसको कोई समस्या है और वो कैब बुक नहीं करा पा रहा है तो ऐसे में उनके लोग हेल्प करेंगे, उसके लिए कैब बुक कराई जाएगी और उन लोगों को हम उनके घर तक छुड़वाने का काम करेंगे। हुड़दंगियों से कैसे निपटेंगे क्योंकि हर साल देखने में आता है कि हुड़दंगी गुड़गांव पुलिस की नाक में दम करके रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रायोरिटी ये रहती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है वो आराम से आए और शांति से जश्न मनाकर अपने घर से सही सलामत पहुँच जाए, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो उपद्रव मचाने का काम करते हैं तो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों से हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ की जाएगी। कल डीजीपी साहब ने भी कहा था महिला सुरक्षा को लेकर खासतौर पर गुड़गांव पुलिस की तैयारियां हैं, यहाँ पे भी काफी महिलाएं हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर महिला पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है और
विमेन पुलिस स्टेशन के SHO स्वयं यहाँ हैं, उनके साथ महिला पुलिस भी है। और हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी यही है कि भी किसी भी महिला के साथ कोई बदतमीजी ना हो पाए और जो भी महिला यहाँ जश्न मनाने आई है वो बिल्कुल अच्छे से अपने घर पर वापस चली जाए। और इस संबंध में हम लोगों ने उनके लिए भी अलग से कैब सर्विसेज का अरेंजमेंट किया है। यदि कोई महिला इस स्थिति में है कि वो घर नहीं जा पा रही तो हम उसके साथ अपनी महिला अधिकारी को भेज करके और कैब से उसको घर छुड़वाएंगे। अच्छा सर, काफी बड़ा रोल पर संचालकों का भी होता है, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर? जी बिल्कुल, उन सब लोगों की मीटिंग हमारे उच्च अधिकारियों ने ली थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने उनको जो भी दिशा निर्देश ऊपर से दिए गए उनको दिशा निर्देश हम लोगों ने बताए और जिस जो समय उनको दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से उसी समय पर वो अपने पब या बार को उसी समय पर बंद करें, ये उसको उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। म्यूजिक को लिमिटेड उसमें रखें और जो भी व्यक्ति आता है उन सबका रिकॉर्ड रखें और जो 21 साल से कम हो उसको लिकर सर्व ना करें। ये सब दिशा निर्देश हमने दिया और हमें बड़ी खुशी की बात है कि सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा सर, अमूमन देखने में आता है इस तरह के सेलिब्रेशन से पहले नशा तस्कर एक्टिव रहते हैं, तो गुरुग्राम पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग क्या इस दिशा में भी काम कर रही है? देखिए हमारे ये पहले हमने उनको बता भी दिया था और आपने पूछा तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि सिविल परिचात में सिविल ड्रेस में हमारे लोग अंदर घूम रहे हैं और यदि कहीं पर इस तरीके का कोई NDPS का या नारकोटिक सब्सटेंस कोई बेचता हुआ या कंज्यूम करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू।